गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में, जो कि एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम यूनिट फिफ्थ की बात कर रहे थे एंजाइम्स में। तो आज हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो है एंजाइम काइनेटिक्स। इसके अंदर हम माइकलिस मेंटन इक्वेशंस के बारे में देखेंगे और लाइन वेवर बर्क प्लॉट के बारे में देखेंगे और एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स टॉपिक के बारे में। तो एंजाइम काइनेटिक्स एक स्टडी होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की, जो रेट होती है उसकी स्टडी होती है और कैसे वो जो है वो चेंज होती है रेट इन रिस्पांस टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स, जैसे सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। तो इनकी वजह से कैसे एंजाइम की जो रेट है रिएक्शन की वो कैसे कैसे चेंज होती है, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। जैसे कभी कभी रेट जो है वो बढ़ जाना, कभी कम हो जाना एंजाइम की, तो ये सब जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है केमिकल रिएक्शंस का मैथमेटिकल टर्म्स में। तो फर्स्ट हम जो जिस वजह से स्टडी करते हैं, जिसकी मदद से स्टडी करते हैं, फर्स्ट है माइकलिस और मेंटन इक्वेशंस। तो 1913 में माइकलिस और मेंटन ने एक स्टैब्लिश की थ्योरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, जिसमें कि फॉर्मेशन होता था प्रोडक्ट्स का। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो पहले ऐड होते हैं और K1 रेट से वो बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट, उसके बाद में K3 रेट से वो एंजाइम और प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। एंजाइम जो है वो बाहर निकल जाती है, प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है फाइनली। और उसके बाद में ये जो है वो एक डिराइव करते हैं रिलेशनशिप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट के बीच में, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कभी ज़्यादा हो कम हो उसका क्या जो है वो रेट पे इफेक्ट पड़ता है, और ये सब जो है वो रिलेशनशिप इस पे बिल्ड होती है कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन की रेट पे। तो जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, वैसे ही जो रेट होती है रिएक्शन की वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही जो है वो इंक्रीज होती है रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट के बढ़ने के। जैसे ही जो है वो सारी एंजाइम सारी सैचुरेटेड हो जाती है सबस्ट्रेट के साथ में, इसके बाद में हम कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज सारी जो एंजाइम होती है वो सबस्ट्रेट से जुड़ जाती है। उसके बाद हम जितना भी कंसंट्रेशन जो है वो इसकी बढ़ा दें तो रिएक्शन की रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए एक हद तक ही जो है एक लिमिट तक ही ये जो रिएक्शन की रेट होती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में हम इसमें एक ग्राफ भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और वेलोसिटी के बीच में, जो कि इनिशियल वेलोसिटी होती है, हाइपरबॉलिक कर्व जो है वो इसमें डेवलप हो जाता है इस ग्राफ में। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस होती है इसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेस करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो यहाँ पे दे रखी है, वो होती है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो वी नॉट है वो है इनिशियल जो इनिशियल रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो, उसके बाद में वी मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और एस ये जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होता है, के एम माइकलिस कांस्टेंट होता है, ये जो है वो सबस्ट्रेट कांस्टेंट होता है जब वेलोसिटी जो रिएक्शन की होती है वो आधी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी की, तब जो है वो सबस्ट्रेट का कांस्टेंट होता है। इसके बाद में तीन कंडीशंस जो है वो इस रिएक्शन के आधार पे बनाई गई है कि जब सबस्ट्रेट कम हो या फिर जब KM ज़्यादा हो, तो इस आधार पे तीन कंडीशन होती है। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो माइकलिस कांस्टेंट से, तो यहाँ पे जब हम माइकलिस कांस्टेंट से बहुत ही ज़्यादा कम, यहाँ पे हम नेग्लिजिबल मान लेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, यहाँ पे जो है वो हम नेग्लिजिबल मान के यहाँ पे सिर्फ KM आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो फाइनली फॉर्म हो जाती है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई KM मल्टीप्लाई बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इससे जो रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है वो होती है कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे हमें जो है वो एक रिलेशन मिल जाता है। उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन है कि जब सबस्ट्रेट मच ग्रेटर हो KM से, तो यहाँ पे हम KM को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन लास्ट में निकल के आएगी वो आएगी वी नॉट इक्वल टू यहाँ पे वी मैक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो रिलेशन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड जो कंडीशन है
वो है कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए माइकलिस कांस्टेंट के, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस ये जो है वो हम दोनों को सेम मान लेंगे, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो एक के साथ एक कट हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली जो रिलेशन आ जाएगा वो आएगा कि वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2। तो ये सारी जो है वो तीन कंडीशन हम जो है वो इससे फॉर्म कर सकते हैं इस इक्वेशन से। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्लॉट है वो है लाइन वेवर बर्क प्लॉट। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि जो वी मैक्स होता है उसको हम प्लॉट करते हैं सबस्ट्रेट के अगेंस्ट में माइकलिस मेंटन इक्वेशन में। तो उस कंडीशन में क्या होता था माइकलिस मेंटन इक्वेशन में, वहाँ पे एक फिक्स पॉइंट जो है वी मैक्स का ढूंढना वो डिफ़िकल्ट हो जाता था मार्क करना। तो इसमें जो है इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम किया जाता है लाइन वेवर बर्क प्लॉट में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका वी को और वेलोसिटी को और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, उसके बाद में इसको हम उसको प्लॉट करते हैं। तो जो रिजल्टिंग कर्व जो इसके अंदर आता है वो एकदम लीनियर होता है और इसलिए हम उसे बोलते हैं लाइन वेवर बर्क प्लॉट। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें हम जो प्लॉट फॉर्म करते हैं रेसिप्रोकल में वो जो है एकदम लीनियर प्लॉट आता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन वेवर बर्क प्लॉट। तो इसके अंदर जो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे जो उसकी थी, उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे कि इन्वर्ट कर देंगे इसको। तो इन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा वन अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, ये भी जो है रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसके बाद हम इसको फैक्टर कर देंगे यानी कि इसको और ज़्यादा जो है वो इसको खोल देंगे इक्वेशन को, तो ये खुल के आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे एस से एस कट जाएगा सिंप्लीफाई होके ये पूरी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसे इक्वेशन को हम बोलते हैं डबल रेसिप्रोकल या लाइन वेवर बर्क इक्वेशन। तो ये फाइनल जो है वो इसकी इक्वेशन आ गई। इसके बाद में ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन के जो है उससे भी मिलती जुलती है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है बेसिकली वो होती है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे वाई जो है वो है वन बाई वी नॉट, ए जो है वो यहाँ पे है के एम बाई वी मैक्स, और एक्स जो है वो यहाँ पे है वन बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वन अपॉन वी मैक्स जो है वो यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे जो वन अपॉन वी नॉट है उसको हम प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ वन बाई एस कंसंट्रेशन, जिससे कि स्ट्रेट लाइन जो है वो निकल के आती है। जैसे यहाँ पे एक्स जो है वो वन बाई वी नॉट है, एक्स मतलब वाई जो है वो वन बाई वी नॉट है, एक्स वन बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इसको हम जो है वो इन दोनों को अगेंस्ट में जो है प्लॉट करते हैं जिससे कि एक लीनियर जो है वो ग्राफ फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम y को जो है वो जीरो पुट करते हैं सबसे पहले, तो उससे जो एक रिलेशन निकल के आ जाता है वो आता है x इज इक्वल टू वन बाई के एम। तो यहाँ पे जो लाइन वेवर बर्क प्लॉट है वो पर्टिकुलरली क्या इनहिबिटर्स को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। तो इसका जो है वो यूज़ हम ये लिख सकते हैं मेन कि जो ये मेनली जो है वो इनहिबिटर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़फुल होता है। और यहाँ पे हम जो है वो प्लॉट में एक बार नज़र देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्स यहाँ पे ये है और वाई जो है यहाँ पे है रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो है ये इंटरसेप्ट होता है वन बाई वी मैक्स, स्लोप होता है के एम बाई वी मैक्स। तो यहाँ पे हम स्लोप देख सकते हैं कि ये आता है और इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे ये आता है, और यहाँ पे हम नेगेटिव में देखें तो यहाँ पे जो लाइन जो है वो नेगेटिव में जीरो पे आके यहाँ पे आ जाती है वन बाई के एम, जो यहाँ पे हम देखा था एक्स इक्वल टू, जब वाई जो है वो जीरो होता है तो वन बाई के एम इसका एक्स होता है, यहाँ पे हमने निकाल के देखा था। क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स की और उनके एग्जांपल्स की। तो मेनली हम नाम से जान सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है एंजाइम इनहिबिटर्स, तो मतलब ये क्या काम करते हैं, एंजाइम्स को इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उनके साथ में इंटरफेयर करते हैं, उनको बाधा डालते हैं उनके काम में, या तो उनके साथ में बाइंड करके, या फिर जो उनकी एक्टिव साइट होती है उनको ब्लॉक करके, या फिर उनका जो कन्फर्मेशन होता है उसको अल्टर करके। तो ये एसेंशियल टूल्स होते हैं बायोकेमिकल रिसर्च ड्रग डेवलपमेंट के अंदर, और मेटाबॉलिक पाथवेज को भी समझने के लिए एसेंशियल टूल्स होते हैं, और इन्हें थेरापेटिकली भी हम यूज़ करते हैं टारगेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स जो कि डिजीजेस कॉज करती है, या फिर एज अ पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल पेस्ट और पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए।
तो इसकी जो है वो हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें एंजाइम इनहिबिटर्स की, तो ये जनरली दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक इनहिबिशन होता है, दूसरा नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन। तो स्पेसिफिक जो इनहिबिशन होता है वो भी दो तरह के होता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं और जिसके इफेक्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल जो इनहिबिशन होता है वो चार तरह का होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड इनहिबिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक इनहिबिटर्स की। तो ये क्या करते हैं, ये अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं सिंगल एंजाइम के, सिर्फ स्पेसिफिक सिंगल एंजाइम पे जो है अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म वो डिवाइडेड होते हैं दो तरह से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टाइप में। तो इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लेते हैं एंजाइम के साथ में, और एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देते हैं, और ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स पे जो है वो एक्ट करते हैं एंजाइम्स की, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, हेलोअल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, और इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल है डाई आइसोप्रोपाइल, फ्लोरोफॉस्फेट, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। उसके बाद में सेकेंड हम इनहिबिटर्स की बात करें जो होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जिनके इफेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं, ये एंजाइम्स के साथ में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो गए, आयनिक बॉन्ड्स हो गए, जो कि वीक होते हैं, जिन्हें हम तोड़ भी सकते हैं। तो ये जो है वो जुड़ते हैं ड्यूरिंग बाइंडिंग, ये एंजाइम तो ड्यूरिंग बाइंडिंग ये जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं करते हैं, और इसलिए हम इसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं एंजाइम्स से बाय द डायलेशन या फिर डायलाइसिस। तो ये जो है वो चार तरह के होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की हम फर्स्ट बात करेंगे, ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ में कम्पीट करते हैं एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए एंजाइम की। जैसे हमने पहले देखा था कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो यहाँ पे ये इनहिबिटर्स आके जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में कम्पीट करते हैं जुड़ने के लिए एक्टिव साइट के साथ में, और ये टिपिकली जो है वो रिजेंबल भी करते हैं सबस्ट्रेट से, और इसे हम ओवरकम भी कर सकते हैं इस इनहिबिशन को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के। लाइक अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इनके लिए भी उससे जुड़ना मुश्किल हो जाता है एक्टिव साइट से, और इसके एग्जांपल्स है स्टेटिंस और एसी इनहिबिटर्स। तो स्टेटिंस जो है ये इनहिबिटर्स ये इनहिबिट करते हैं एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम को, और एसी इनहिबिटर्स जो है जो कि होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये इनहिबिट करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है इनहिबिटर्स का वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये एंजाइम की साइट पे बाइंड तो करते हैं लेकिन जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे बाइंड नहीं करते, यानी कि पूरी जो एंजाइम हो गई उसकी एक्टिव साइट पे ना बाइंड करके कोई दूसरी ही जगह पे ये बाइंड कर जाते हैं, और एक कन्फॉर्मेशनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो लाते हैं एंजाइम्स में, जिससे कि जो एंजाइम की एक्टिविटी जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है और कम हो जाती है। और इसमें इस कंडीशन में तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से भी जो है इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते इनहिबिशन को। इसके एग्जांपल्स है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो कि इनहिबिट करते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को, ऑक्सैमिक एसिड इनहिबिटर जो कि इनहिबिट करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है इनहिबिटर्स का वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर जो है वो बाइंड करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ बाइंड करते हैं, फ्री एंजाइम जो होती है उसके साथ बाइंड नहीं करते जैसे हम पहले की कंडीशंस में देखा, लेकिन ये जो है वो कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड करते हैं और इनएक्टिव कर देते हैं एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना के, और जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो रिलीज नहीं हो पाता है। इसके एग्जांपल है आर्सेनिक और लीथियम। तो आर्सेनिक जो है वो इनहिबिट करता है ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को, और लीथियम जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम इनहिबिटर की बात करें वो है मिक्स्ड इनहिबिटर्स। तो ये जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम से बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के बजाय। तो ये इनहिबिटर्स भी क्या होते हैं कि एक्टिव साइट पे ना बाइंड करके कोई दूसरी साइट पे बाइंड करते हैं, और एंजाइम और ये जो है वो एंजाइम से भी बाइंड कर सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रिएक्शन की उनको डिक्रीज करने का काम करते हैं, और इसका एग्जांपल है फ्यूकोजेटिन।
इसके बाद में हमने पढ़ा था दूसरे टाइप का इनहिबिशन, वो था नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन। तो स्पेसिफिक जो था वो तो सिर्फ एक एंजाइम पे वर्क कर रहा था, लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन होता है इसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो आते हैं, जो कि प्रोटीन पोर्शन जो होता है एंजाइम का उसको डीनेचर करता है। तो इसका प्रोसेस जो है वो सबसे पहले बताया कि ये फिजिकल या केमिकल चेंजेस कर देता है एंजाइम्स के अंदर, जिससे कि जो प्रोटीन पोर्शन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। और इसको और इसमें हम जो है वो ट्रीटमेंट कराते हैं एसिड और बेसिस का और हैवी मेटल्स का, अल्कोहल का, पीएच का, टेम्परेचर वगैरह का, इसकी मदद से हम जो है वो उसको डीनेचर करते हैं। और इसलिए इसे हम इरिवर्सिबल भी बोलते हैं कि इसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और ये मल्टीपल एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकता है उन और ये मल्टीपल एंजाइम्स को इनहिबिट जो है वो करता है एग्रीगेट्स को फॉर्म करके, और इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। सो गाइज, ये थे एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजाइम काइनेटिक्स, जिसमें हमने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पढ़ा, लाइनवीवर बर्क प्लॉट के बारे में पढ़ा। और इसके बारे में आपको जो भी जो है वो टॉपिक पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो हमको बोल सकते हैं। और थैंक्स, एंड इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन, आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे।